बच्चे और बड़े कैसे रहें खुश, क्या इसके पीछे भी केमिस्ट्री होती है? Yes, happiness, chemical and how to hack them is the motive of this video. आज इस वीडियो में हम आपसे उन केमिकल्स की बात करेंगे और उन केमिकल्स पे कैसे हैक करेंगे, वो कैसे प्रोड्यूस करेंगे अपनी बॉडी में, इसके बारे में बात करते हैं. Starting with the first and that one is dopamine. The reward chemical भी इसको कहते हैं, dopamine C8H11NO2. Forget about the formula, मस्त रहिए. कैसे dopamine इंक्रीज करना है आपकी बॉडी में, इसकी बात करते हैं. सबसे पहले छोटी छोटी जीत की खुशियां मनाइए, सेलिब्रेट लिटिल विंस. दिस इज द फर्स्ट की पॉइंट. और जब आप सेल्फ केयर एक्टिविटीज करते हैं अपनी, तो डोपामिन रिलीज होता है. ये रिवार्ड केमिकल होता है, ये आपकी बॉडी में पॉजिटिविटी क्रिएट करता है. एंड सिमिलरली, अगर कोई छोटा सा भी टास्क आपका पूरा होता है तो ये डोपामिन रिलीज होता है और आपको कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, आपको कहीं ना कहीं हैप्पीनेस प्रोवाइड करता है. एंड सिमिलरली, जब कभी भी आप टेस्टी फूड, यमी 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 टेस्टी फूड खाते हैं, तो वो डोपामिन रिलीज करता है. एंड दैट्स व्हाई दैट इज नोन एज द रिवॉर्ड केमिकल. इसी तरह का एक और केमिकल है सेरोटोनिन. ये मूड स्टेबलाइजर है. इसमें कुछ खतरनाक सी बेंजीन जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है. फॉरगेट इट. आप तो देखिए ये सेरोटोनिन कैसे रिलीज होता है. रनिंग कीजिए, जॉगिंग कीजिए, ये मूड स्टेबलाइजर केमिकल रिलीज होगा और आपके मूड को स्टेबलाइज करेगा. सिमिलरली, घर में रहना है लेकिन सन से भी एक्सपोजर रखना है, दैट ऑल्सो क्रिएट्स रिलीज ऑफ सेरोटोनिन. इसी तरह से जब कभी भी आप नेचर में वॉक करते हैं, प्रकृति के बीच जाते हैं, तो भी ये मूड स्टेबलाइजर केमिकल रिलीज होता है. सिमिलरली, स्विमिंग करने पर भी ये रिलीज होता है, यानी कि फिजिकल एक्सरसाइज से रिलेटेड, चाहे आप साइकिलिंग कर रहे हैं, स्विमिंग कर रहे हैं, इन सभी से ये केमिकल रिलीज हो रहा होता है. इसी तरह से मेडिटेशन. तो इन शॉर्ट, सेरोटोनिन अगर आप चाहते हैं कि आपकी केमिकल रिलीज हो बॉडी में, मूड स्टेबलाइज रहे, इसके लिए आपको फिजिकल और मेंटल स्टेबिलिटी और फिजिकल मेंटल एक्सरसाइजेस करनी चाहिए. नेक्स्ट वन इज वी आर टॉकिंग अबाउट ऑक्सीटोसिन. ये लव हार्मोन कहलाता है. खतरनाक फॉर्मूला है C43H66N12O12S2. फॉरगेट इट. आप तो ये देखिए ये हार्मोन कैसे रिलीज होगा और आप में हैप्पीनेस कैसे क्रिएट करेगा. होल्डिंग दी हैंड. सिमिलरली, हगिंग योर फैमिली. जैसे जैसे फैमिली मेंबर्स क्लोज आते हैं, ये ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है और आप में हैप्पीनेस जनरेट करने का काम होता है. एक दूसरे को अप्रिशिएट कीजिए, कॉम्प्लीमेंट कीजिए, बताइए कि ये वीडियो अच्छा है. ये कॉम्प्लीमेंट करने से कहीं ना कहीं ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा और आपको पॉजिटिविटी आएगी. एंड सिमिलरली, जब किसी छोटे बेबी को देखते हैं और उसके साथ खेलने का मन करता है और जब खेलते हैं तो ये ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है और आपके लिए पॉजिटिविटी क्रिएट करता है. सिमिलरली, किसी पेट के साथ आप खेलते हैं तो भी यही लव हार्मोन रिलीज होता है और आपके लिए बेनिफिशियल होता है. फोर्थ एंड द लास्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो हम बात कर रहे हैं एंडोर्फिन की, जो कि पेन किलर है. राइट, कभी दर्द हो रहा हो और ये केमिकल रिलीज हो जाए तो आपका पेन ऑटोमेटिकली कॉम हो सकता है. सबसे पहले उसके लिए क्या करना है, वॉच ए कॉमेडी. भाई वाह कॉमेडी देखिए और ये एंडोर्फिन रिलीज होगा जो आपके पेन को सप्रेस करेगा. डार्क चॉकलेट का ये, दैट इज ऑल्सो हेल्पिंग इन रिलीजिंग द एंडोर्फिन. सिमिलरली, लॉट ऑफ एक्सरसाइज, डिंग डिंग किसी तरह की एक्सरसाइज कीजिए, ये पेन किलर रिलीज होगा और आपके पेन में रिलैक्सेशन होगा. बहुत सारे एसेंशियल ऑयल्स होते हैं जो भी ये पेन किलर का तरह से रिएक्ट करते हैं अगर हम इन ऑयल्स को कंज्यूम करते हैं या अप्लाई करते हैं. और द बेस्ट वन इज दैट इज दी लाफ्टर एक्सरसाइज. जोर जोर से हंसीए, खूब बार हंसीए, दिन में 10 बार हंसीए और द पेन किलर हार्मोन रिलीज कीजिए. अच्छा, ये होती है खुश रहने की केमिस्ट्री. मैं भी खुश रहूंगा. थैंक यू. स्टे कनेक्टेड, स्टे मोटिवेटेड.